ਪਨੀਪਤ ਯੋਧਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਗਜਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਸਾ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਗਜਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ और इस विरोध का जड़ा सेक है वो कई थावां ते देश भर च नजर आया। खास तौर ते बिहार, हरियाणा, आंध्र प्रदेश तक इसका सेक पहुंचा है। मुजाहराकारियों ने कई थां ते ट्रेना भी फूकिया, जम के रोस प्रगटावा ते मुजाहरे हो रहे हैं। हरियाणा के कई जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है ते इंटरनेट सेवावां भी बंद कर दी गई ने। दस दे कि नौजवानों ने सड़क से उतर के पत्थरबाजी भी की है। सो तस्वीर तुम वेख रहे हो जिथे कि वाहनों अग लगाई गई है, रेल पटरिया तोड़फोड़ की गई है, गड्डिया अग लगा दी गई है और यह देश भर तो वख-वख थावां तो यह तस्वीर सामने आई हैं कि किस कदर इन्हां मुजाहराकारियों वालों अपना रोस जड़ा है इस तरह के नाल प्रगटाया जा रहा है कि जिथे ट्रेनों अग लगाई गई है, पटरिया से जड़ा है तोड़फोड़ की गई है, सड़क से खड़े वाहनों जड़ा अग के हवाले किया जा रहा है और अजे विचकार जड़ा है मुजहरा हूँ बढ़ता जा रहा है। तो दस दिए कि हरियाणा के भी कई जिले में सब वेखद हुए धारा 144 लागू कर दी गई है, इंटरनेट सेवावान बंद की गई ने। तो सड़कों से उतर के नौजवानों ने पत्थरबाजी भी की है, टायर जलाए ने, गड्डिया जलाईया ने, ट्रेनों अग लगाई है। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर के हंगामा वेखन मिल रहा है। सो तस्वीर तुम विखा रहा रोहतक, फरीदाबाद, गुरुग्राम, फतेहाबाद, जिथे कि जम के मुजहरे हो रहे हैं, सड़कां जाम कीतियां गईयां ने, पुलिस दे नाल हत्थोपाई हुंदी नजर आई है। उत्ते ही ट्रेनां नूं अग लगाई गई है, गड्डियां नूं अग लगाई गई है, पत्थरबाजी, अगजनी दीआं इह घटनावां देश भर दे विच वख-वख थावां ते नजर आ रही है सरकार दे इस कीते फैसले दे खिलाफ। जो इह हालात जिहड़े बणे ने, जो कि हिंसक रूप धारदे जा रहे ने, मुजाहराकारी जिहड़े ने खासे रोह दे विच नजर आए ने और पुलिस नूं भी खासी मुशक्कत करनी पै रही है इन्हां मुजाहराकारियों नूं काबू करन दे विच। सो केंद्र दी अग्निपथ योजना दे खिलाफ यह हंगामा, जिथे आरा दे विच, बलिया दे विच, सिकंदराबाद दे विच ट्रेनां नूं अग लगा दित्ती गई। तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो किस तरह दे नाल इत्थे नुकसान पहुंचाया गया है। ट्रेन दी ट्रेन जिहड़ी है पूरी बोगियां दे विच अग लगा दित्ती गई है, शीशे बंद दित्ते गए अते खासा नुकसान जड़ा है वो सरकारी संपत्ति का होया है। उते ही हालात जड़े ने तनावपूर्ण बन रहे हैं। सरकार से ये मांग करते हैं कि ये जो 4 साल वाली स्कीम है ये किसी को फौजी तो बनाएगी नहीं, लेकिन गैंगस्टर और शूटर जरूर बना देगी, तो इसको तुरंत वापस ले। इसको आगे का यही है, इसको वापस ले सरकार, हम अपना शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखें। पहले बालक तैयारी करे थे, 4 साल हो गए बालकों ने तैयारी कर दिया ना, तो इनकी भर्ती आ रही, अरे ने तैयारी करके इतने पीछे लगाए भर्ती आप है, अरे फिजिकल निकाले, मेडिकल निकाले, पेपर रद्द कर रहे थे, उधर निके पेपर जमा रद्द कर दिए, फिजिकल मेडिकल भी बंद कर दिए बिल्कुल। अब दोबारा फिजिकल रजिस्ट्रेशन होंगे तब हो जाकर फिजिकल हो लागे, 4 साल, 4 साल का करेंगे के करेंगे के कमेंगे उधर जाकर भाई, तो हम तो परमानेंट को ना भाई, 4 साल का तरह क्यों करेंगे, वो देश की रक्षा के उन्हें कोई मतलब नहीं है, 4 साल से खातर करना तो ये करो, पेंशन भी करो या हमारी नौकरी पक्की करो कहीं भी। सो अग्निपथ योजना के खिलाफ है देश भर च हंगामा, जो नौजवान ने उन्होंने खासा रोस कि उन्होंने यह कहना है कि वह पिछले लंबे समय तो हूँ तैयारी जी है फौज के भर्ती लिए कर रहे सन, हालांकि विच भर्तियां भी नहीं हुई, लेकिन हूँ जिस तरह के नाल सरकार ने फैसला किया उस तो बाद उन्होंने इस लैके रोस पाया जा रहा है। हरप्रीत बंदिशा के गल करते हैं। हरप्रीत, जिथे कि यह जो फैसला लिया गया, यह योजना जी लागू की गई उसका सेक असी वेख रहे कि किस तरह के नाल वख-वख सूबे बिहार के जड़ा है देखने मिल रहा है, लेकिन हूँ इसका सेक हरियाणा के भी आस पास देखने मिल रहा है। देखो जिस तरीके दे नाल ए लोकां नूं पता लग रहा उस दे नाल ही शहर शहर सूबे सूबे इहदा रोश हिंसक हुंदा जा रहा, हुण दिल्ली तक भी पहुंचा, जो थोड़ी देर पहला ही RTO जिहड़ा मैट्रो स्टेशन है उत्थे प्रदर्शन किया गया ISA वल्लों, हालांकि उस तो बाद उन्होंने हिरासत च लै लिया गया जिहड़े उत्थे लोग प्रदर्शन कर रहे सन। मैट्रो ने बकायदा ट्वीट करके जानकारी दी कि बहुत सारे जिहड़े गेट्स ने कुछ मैट्रो के उन्होंने जिहड़े गेट्स ने उन्होंने बंद कर दिता गया एहतियातन तौर पर, लेकिन जिस तरीके दे नाल अग्निपथ की गल की जा रही है सरकार वालों उसको लैके युवा दे विच खासा रोह जिहड़ा यूथ है वो खासा रोश दे विच भरिया नजर आ रहा है, जगह जगह से वखरे वखरे तरीके दे नाल प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन यूपी बिहार के जिस तरीके तस्वीर सामने आ रही ने, हरियाणा तो जो तस्वीर सामने आ रही खासी
चिंता वाली ने तो परेशान करने वाली ने। अलीगढ़ के एक बस में अग लगा दी गई, इस तों अलावा यमुना एक्सप्रैस वे से भी कुछ गड्डियों के नाल भनतोड़ की गल की जा रही है। एक बस में रोडवेज दिन उत्थे पुलिस वालों बचा लिया गया। इस नाल ही अलीगढ़ के भी प्रदर्शन किया जा रहा। टप्पल जी जगह है उत्तराखंड के हल्द्वानी के पुलिस टकराव होया, स्टूडेंट जे युवा प्रदर्शन कर रहे सन ते पुलिस ने जदों डंडे फटकार के उन्होंने हटाने की कोशिश की तो सवाल से भगदड़ मच गई। तो कुछ जे यूथ से उन्हें नहर के छाल भी मार दी, हालांकि उन्होंने बचा लिया गया। लेकिन इसे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके दे नाल पूरे देश भर के जिहड़ा टकराव है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। गड्डिया भनतोड़, गड्डिया की अग लग रही है, लेकिन अजे तक सरकार लगातार यही गल कह रही है कि इसनों एक गलत प्रचार का किया जा रहा है। कुछ नहीं होएगा, अभी नौकरी भी देंगे, उन्होंने एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन यूथ का कहना है पिछले दो साल तो भर्तियां नहीं हुई, उसका की होया तो हूँ सानू महज चार साल की नौकरी। ये एक बड़ा वड्डा सवाल है कि जेकर जिहड़ा लगातार चुकया जा रहा है, तुसीं सोशल मीडिया से भी देखो तो उत्थे भी रौला पैण लगता है कि एमपी ते एमएलए पांच साल लिए चुने जाते हैं, सरकारां पांच साल लिए चुनिया जांदियां ने। बिल्कुल हरप्रीत, एक बार अपने दर्शकों दस दी कि जिहड़ी तस्वीर तुहानूं विखा रहे मथुरा दी तस्वीर है जिथे की पत्थरबाजी की जा रही थी, पुलिस से पथराव हो रहा है और वापस फायरिंग जी है पुलिस वालों इन्हों उपद्रवियों से की जा रही है, मुजाहराकारियों से की जा रही है। सो यह हालात वेखद्या ही वेखद्या तनावपूर्ण जड़े ने वो बनते जा रहे हैं। पहला बिहार तो आंध्र प्रदेश तो तस्वीर आई हैं, लेकिन हूँ इस सेक हरियाणा दिल्ली यूपी तमाम थावां ते नजर आ रहा है। जिहड़े राहगीर ने वह भी इस की चपेट आते नजर आ रहे हैं क्योंकि गड्डिया की भी भनतोड़ हो रही है, उत्ते ही हूँ जान का खतरा हर पास देखने को मिल रहा है। और जे समा रहिंदया इस हालात से काबू नहीं पाया गया, कदम नहीं चुके गए तो देश भर में ऐसा जरा सेक है वो छेती होर ज्यादा महसूस किया जाएगा। तो फिलहाल ये बजुर्ग जुड़ा जिसमें सेफ पैसेज दिता जा रहा है। तस्वीर तुम देख रहे हो मथुरा दिया, ये तस्वीर ने कई थावां से नौजवानों वालों अगजनी की गई है, पत्थरबाजी भी की गई है। हरप्रीत लगातार बने हुए ने, हरप्रीत हालात यह बन गए ने कि हुण सड़कां ते जिस तरह पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस नूं जिहड़ा है बचा अपने लिए, जिहड़े होर राहगीर ने उन्हां दे लई गोलियां चलाणियां पै रहियां ने। देखो इस महज यूपी के कुछ शहरों की तस्वीर अभी टीवी स्क्रीन से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन ये जी तस्वीर है अमूनन हुण बहुत सारे शहरों में निकल के आ रही है। थोड़ी देर पहला फरीदाबाद जिस तरीके ना पत्थर चले उस तो अंदाजा नजर आया कि हालात की बने हुए हैं। देश के विच बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा वधी हुई है, सरकार चाहे किन्ने दावे करे लेकिन हालात जोड़े ने सामने नजर आते हैं कि जेकर सिर्फ मैच फौज की गल की जाए तो फौज के भर्तियां पिछले दो साल तो रुकिया हुई ने। एयरफोर्स के कुछ रिजल्ट आए, उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिले, वो जिहड़ा नौजवान ने वो इंतजार कर रहा है। सरकार लख दावे करे लेकिन ये दावे जेड़े ने ये दूर दूर तक नजर नहीं आते। सरकार के जेड़े जिहड़ियां रिपोर्ट्स आउंदियां ने उन्हां च भी कहा जाता है कि बेरोजगारी की दर घटी, लेकिन जेकर तुसीं आम जनता नाल जाके गल करो तो तुहानूं तां समझ आएगा कि बेरोजगारी का आलम की है। सरकार ने इसे करके ही अग्निपथ लियांदी योजना कि इस दे नाल जिहड़े अग्निवीर जाणगे उन्हां नूं असीं चार साल तक नौकरी देंगे तो उस तो बाद वो की करेंगे। इसे करके ही युवा जिहड़ा नाराज है कि एक फौज एहोजी नौकरी सी जिथे कि मन्या जांदा सी कि जे एक पासे देश की सेवा करो तो भविख भी सुरक्षित रहिंदा है, पेंशन हुंदी है, नाल ही एक जिहड़ी जॉब सिक्योरिटी जिहनूं कहा जांदा हमेशा तो फौज नूं लैके मन्या जांदा रहा। लेकिन हुण जेकर उत्थे भी यह होएगा जाहिर तौर पर वड्डे सवाल ने। हालांकि सरकार लगातार दावे कर रही है कि यह झूठ है, यह भ्रामक गल्लां ने, इन्हां नूं इहोजा कुछ नहीं होने वाला, हर चीज बदली रहेगी। लेकिन तुसीं देखो जिस तरीके नाल सरकार किसानी बिल लैके आई, उस तो बाद विरोध शुरू होया, हुण जिवें ही यह चीज आई तो इस तो बाद विरोध शुरू होया। तो यह कहना गल शायद कितने गलत ना साडे वल्लों हो जाए, मैं असीं इस गल्लों नहीं कहिंदे, लेकिन कितने यह ना होए कि यह यूथ अंदोलन भी किसान अंदोलन वांगू खड़ा हो जाए तो सरकार लई समस्या हो जाए। दूसरे पासे विपक्ष लगातार निशाने साध रहा है, राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके सरकार से तिखे निशाने साधे ने। उन्होंने कहना है कि GST आई, व्यापारी नाराज, अग्निपथ आया, युवा नाराज, किसान बिल आए तो किसान नाराज। तो जाहिर तौर पर जिते राजनीतिक दल जे ने अपनी रोटियां सेक दो नजर आ रहे हैं, उत्थे ही हुण सरकार के सामने चुनौती है कि वो एक वड्डे वर्ग नूं जिहड़ा नौजवान वर्ग है उन्हूं किवें समझाए कि यह जी अग्निपथ योजना है यह उन्हां लई बेहतर है। बिल्कुल, क्योंकि जेडे कुछ माहिर ने जो एक्सपर्ट्स वो मानते हैं कि शायद एक पायलट प्रोजेक्ट पहला लिया जाना चाहिदा सीगा कि एक बार ट्रायल होंदा कि किस तरह दे नाल चलदे, क्योंकि ये नौजवानों दे नाल यूथ दे नाल जुड़िया ये मुद्दा है।
एज एक्सटेंशन अपर एज लिमिट को बढ़ाया गया सर, इस पर आपके क्या विचार हैं? इससे जो युवा 2 साल से नहीं भर्ती हो पाए थे उनको भी एक अवसर मिलेगा सर? तो ये जो गवर्नमेंट ने कल अनाउंसमेंट की है 2 साल एक्सटेंशन या रिलैक्सेशन के लिए पहले रिक्रूटमेंट साइकिल के लिए और 1 टाइम वेवर दिया है, मुझे लगता है ये अच्छा कदम है। इससे हमारे जितने भी यंग मोटिवेटेड और एनर्जेटिक युवा थे जिनको किसी कारणवश पिछले 2 साल में कोविड के चलते रिक्रूटमेंट रैली में भाग लेने का या पूरे प्रक्रिया में ख़त्म करने का मौका नहीं मिला था, मुझे लगता है उनके लिए बड़ा अच्छा सुनहरा अवसर है। जहाँ तक रिक्रूटमेंट प्रक्रिया का सवाल है, इसका शेड्यूल हम जल्दी ही अनाउंस करेंगे और मैं सभी युवाओं को आह्वान करता हूँ कि वो इस प्रक्रिया में और इस एज रिलैक्सेशन का पूरा फायदा उठाकर इस प्रक्रिया में भाग लें। सो जिस तरह नाल किया जा रहा है कि इस प्रक्रिया विच बजट की हिस्सा लिया जाए, लेकिन दूजे पासे सड़कां ते ए हालात ने कि पूरे देश भर तो जो तस्वीरां सामने आईयां ने जिथे अगजनी दीयां घटनावां वापरियां ने, पत्थरबाजी हो रही है। ही प्रक्रिया शुरू होने जाने वाली है, अगली 2 दिन में ये अधिसूचना या नोटिफिकेशन joinindianarmy.nic.in पर यह घोषित किया जाएगा और उसके पश्चात हमारे आर्मी रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो रजिस्ट्रेशन और रैली उसका शेड्यूल डिटेल में डिक्लेयर करेंगे। इन सब प्रक्रिया में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी युवा या जितने भी उम्मीदवार हैं उनको तैयारी के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। और अंत में जहां तक अग्निवीर्स का रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर में जाने का सवाल है, तकरीबन दिसंबर इस साल के दिसंबर तक पहला अग्निवीर की ट्रेनिंग रिक्रूट सेंटर में शुरू हो जाएगी। सर धन्यवाद। जिस नाल एक पासे कहा जा रहा है कि ये नौजवानों के लिए चंगे भविख के लिए जुड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन दूजे पासे वही नौजवान अपने भविख को हनेरे च पा रहे हैं और जिहड़ा सहारा लिया उन्होंने हिंसा का, जिथे कि लगातार अगजनी हो रही है, गड्डिया जड़िया ने वो साड़ियां जा रही ने, ट्रेनों अग लगाई जा रही है, पत्थरबाजी हो रही है, तो ये हालात इस वे देश नज़र आ रहे हैं।